नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आज कैथल ब्रेकिंग टीवी में आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे ही जिले के किसान नेता जसबीर तंवर से, जिनसे हम पूछेंगे दो महत्वपूर्ण सवाल। पहला तो वो कि जिस तरह से आजकल प्रदूषण का पूरा ठीकरा हमारी राज्य की सरकारें हो या फिर दिल्ली NCR की सरकारें, पूरा का पूरा ठीकरा हमारे किसान भाइयों पर फोड़ देती हैं, और दूसरा वो कि जो किसान के लिए 3 कृषि अध्यादेश सरकार ने पारित किए हैं, क्या उनमें MSP का जिक्र है और क्या उनमें उनका पक्ष है। नमस्कार जसबीर जी। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि आजकल जो प्रदूषण है, जिसे कहते हैं कि जो फसल अवशेष किसान जलाते हैं, उसका पूरा जो ठीकरा है किसान पर भाइयों पर फोड़ दिया जाता है, उस पर आपका क्या पक्ष है? ये हरियाणा में कहावत है, कमज़ोर की बहू सबकी बाप भी। जो कमज़ोर होता है ना, उसके उसको कोई कुछ बोल दे, उसको जवाब देने का अधिकार नहीं होता। प्रदूषण जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, जब भारत से तुलना होती है तो वहाँ भारत कमज़ोर पड़ जाता है, और जब विकासशील और विकसित देशों की लड़ाई होती है तो विकसित देश विकासशील देशों की पर आरोप लगाते हैं कि प्रदूषण के असली जिम्मेदार आप हो। विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश, उन बड़े देशों को बोल नहीं पाते कि असली जिम्मेदार आप हो। अब जब कमज़ोर ये पड़ जाते हैं तो इनकी जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है एग्रीकल्चर की, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष जलाते हैं, हज़ारों सालों से यही व्यवस्था है, अब ताज़ा ताज़ा इनको दिखने लगी है। तो ये चीज़ें अब जब विकासशील देश पर ठीकरा फोड़ना है तो वहाँ कुछ लोग ढूंढने होंगे, और वहाँ भी जैसे विकासशील देश उनके सामने कमज़ोर हैं तो वहाँ पर कौन कमज़ोर है? कॉरपोरेट सेक्टर कमज़ोर नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर कौन है? जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ मजबूत आवाज़ नहीं है, जो गिरेबान पकड़ सके, अब उनके ऊपर आरोप लगा दो कि प्रदूषण के असली जिम्मेदार आप हो। अगर ओवरऑल कोई चीज़ देखी जाए, जैसे अब जांच चल रही है, अभी सुनने में आया है कि अखबारों में आई थी कि केंद्र सरकार ने कोई आयोग या कोई टीम बनाई है जो दिल्ली में जांच करेंगी कि दिल्ली में प्रदूषण का, NCR के इलाके में प्रदूषण का असली जिम्मेदार कौन है, तो उस पर वो काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। अब तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अभी इसी साल क्यों ये टीमें आई? क्या ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले अंडों में थी, अभी अंडे पूरे नहीं हुए, अब निकली हैं, ये पिछले साल क्यों नहीं भेजी गई, या उससे पिछले साल क्यों नहीं भेजी गई, या उससे पिछले साल क्यों नहीं भेजी गई? जब प्रदूषण की समस्या तभी क्यों नहीं? तब तक तो किसान 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 आरोप ही कर दिए, अब कह रहे हैं हम जांच करेंगे असली जिम्मेदार कौन है, तब का आरोप, अब कौन इस बात की गवाही जवाबदेही देगा कि आपने हमें झूठा क्यों बनाया तब तक? अब आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि किसान आरोप कि आरोपी था और किसान ही प्रदूषण फैला रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे कौन जिम्मे, अब तक तो केंद्र सरकार कह रही थी किसान है, अब वोटों का कुछ गणित इधर उधर हुआ तो वो अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने पर वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अब आप कह रहे हो एक टीम भेज रहे हैं जांच के लिए, और इससे पहले हरियाणा सरकार का शायद 2017-18 या 16-17 का मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, वो एक सर्वेक्षण था इन्हीं का, हरियाणा सरकार का, मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है, उसमें उसी साल 190 करोड़ रुपए खर्च किए गए कि फसल अवशेष किसान ना जलाए इसके प्रचार के लिए, मतलब प्रदूषण ना हो, और अब कह रहे हैं प्रदूषण का असली जिम्मेदार किसान नहीं। 190 करोड़ रुपए आपने लगा दिए जनता का पैसा कि किसान जिम्मेदार है, अब कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल एजेंडा सबसे बड़ी चीज है, किसान को दोषी ठहरा दो। मैं जैसे फसल अवशेष में किसान आग लगाता है तो उससे किसान का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उस धुएं में किसान तो सबसे नजदीक है, औरों के तक तो जाएगा कि नहीं जाएगा, किसान सबसे ज्यादा परेशान होता है, लेकिन और उसके खेत में जो जब जलाया जाता है तो जो उसके मित्र कीट हैं वो भी मरते हैं, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं, विकल्प नहीं, उसे खेत संवारना है, गेहूं बीजनी है, उसके लिए खेत संवारने के लिए महंगा पड़ेगा, और उसे सारी चीजें जो सरकार कानून झाड़ती है तो उसके लिए वो करना पड़ता है, उसने कोई उसे कोई चाव नहीं है, लेकिन मजबूरी में और रास्ता नहीं तो वो उसे करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है किसान बहुत कम प्रदूषण का जिम्मेदार है, प्रदूषण करना पड़ता है मजबूरी में। दूसरा आप एक चीज़ देखिए कि प्रॉब्लम है, हम जब कुछ करते हैं कुछ बिगाड़ होता है, लेकिन देखना है कि उस बिगाड़ का हमारे पास विकल्प है कि नहीं। खेती वो चीज़ है, देखिए आप भी मानोगे, जहाँ से रोटी पैदा होती है, आपने इस कोरोना काल में देखा एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर था जो देश के और दुनिया के लिए सबसे जरूरी था, लोग धान चावल लेने भागे, गेहूं लेने भागे, सब्जियां लेने भागे, लोग और चीज़ें खरीदने नहीं भागे, बाइक बिकनी बंद हो गई, गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, कंप्यूटर बिकने बंद हो गए, लेकिन
खाने की चीजें बिकी, ये जरूरी है। अब इससे प्रदूषण होता है रास्ता नहीं, मतलब ये इमरजेंसी जरूरत है, जब सर्विस है इसके लिए तो हमें क्या करें, रास्ता नहीं तो करना पड़ेगा। आपको वो देखना है कि जहां से काम चल सकता है। आप 1.5 करोड़ गाड़ियां हर साल बेच देते हो, उसे रोकने पर काम करिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाइए, अकेला अकेला आदमी गाड़ी में ना चले इस पर काम कीजिए, लोग साइकिल को यूज करें उसे। लेकिन अगर आप एक चीज, साइकिल बढ़ेगा तो हमारे देश की गाड़ियां नहीं बिकेंगी, मोटरसाइकिल, फिर जीडीपी का हंगामा मचेगा। मतलब दिक्कत क्या है कि पूंजीवादी ताकतें सिर्फ कमजोर को ढूंढ पर उस पर आरोप लगा रही हैं। किसान की आवाज कोई मजबूत नहीं, इनका गिरेबान पकड़ने वाला कोई नहीं है, बस यहाँ से आवाज कर दी जाती है और किसान ही खड़े हो जाते हैं कहने कि हाँ भाई हम प्रदूषण करते हैं। किसान संगठनों में एकता नहीं, ये दिक्कत है, किसान को दोषी बना दिया जाता है। प्रदूषण पर मुझे किसी ने मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से चले थे, प्रदूषण नहीं था, और जब हम करनाल पहुंचे तो धुआं आंखों में लगने लगा। अभी आज के दिनों में आप एक चीज़ देखिएगा, आप जहाँ 5-6 बजे हैं वहाँ आपको कोई प्रदूषण की समस्या नहीं होगी, ठीक है, जबकि आग वाग अगर देखोगे लग रही होगी, चल रही होगी। 5-6 बजे के बाद यदि आप करनाल में हैं और दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में धुआं नजर आएगा, और अगर 5-6 बजे आप दिल्ली हैं और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए 8-9 बजे तो यहाँ धुआं लगेगा आपको। दिक्कत क्या है, इस समय जो मौसम होता है, ठंडा मौसम है ऊपर, इस पर जांच होनी चाहिए कि वो ठंडा मौसम होने के कारण जितना धुआं है, अभी 3 बजे तक कोई समस्या नहीं, आग लगाओगे तो वो धुआं चला जाएगा ऊपर, वो जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, अभी मौसम बदल रहा है तो 1-1.5 महीना ये दिक्कत रहेगी। वो जब धुआं ऊपर जाता है तो रुक जाता है, वो जब वो शाम का समय होता है तो वो कहीं भी है, चाहे वो फसल अवशेष का धुआं, वो गाड़ी का धुआं, वो पेट्रोल डीजल का धुआं, या वो कारखाने का धुआं, या वो खाना बनाते हुए जो हम उपले जलाते हैं उसका धुआं। इन दिनों में हम छोटे छोटे थे तब भी देखते थे, दिवाली के दिनों में जब घर में खाना बनाया जाता लकड़ियों पे, उसका धुआं ही बनाया जाता था, तो आंखों में लगता था, क्योंकि वो ठंडा मौसम होता है तो वो धुआं ऊपर नहीं जा पाता, ये समस्या है। ये अब देखना ये है, वो धुआं तो कोई सा हो, थोड़ा है ज्यादा, वो रहेगा वहीं पर, देखना यह धुआं आ कहां से रहा है, जी, समस्या आ कहां से रहा है, वो धुआं ज्यादा कहां से आ रहा है, वो गाड़ियों से आ रहा है, कारखानों से आ रहा है, या किसानों से आ रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। और अगर ये जांच ईमानदारी से की जाएगी तो इसमें दोषी किसान नहीं रहेगा। जसवीर जी, जैसे कि हाल फिलहाल में हमारे देश में कृषि संबंधित 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़े जोर शोर से इसको फायदेमंद बताया किसानों के लिए और कहा है कि MSP की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी, सुनिश्चित किया गया है, कहां तक आप सहमत हैं कृषि विधेयकों से या अध्यादेशों से? देखिए, MSP के लिए फिर एक अध्यादेश अलग से लेकर क्यों नहीं आ जाते, दिक्कत क्या है? आप किसान हितैषी हो तो लेकर आइए कि अध्यादेश है, ये MSP का अध्यादेश है, इतने इतने समय तक सरकार इस इतनी इतनी फसलों को खरीदने के लिए बाध्य रहेगी, जितनी फसलों के लिए MSP घोषित की जाएगी उन फसलों को हम खरीदेंगे, उसे लिखित में दे दीजिए, तालियां बजाएंगे किसान। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत बंधे हुए हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो। 15 साल से मैं खबरें पढ़ रहा हूं, 15-20 साल से, जब से थोड़ा होश संभाला है तब से मैं एक चीज देख रहा हूं, यूरिया पे सब्सिडी खत्म करना चाहती है सरकार, कर नहीं पाती क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव है, यूरिया पर सब्सिडी खत्म करो। और MSP पे भी जो MSP है, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव है कि खाद्यान्न महंगे हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैंने वो कई साल पहले बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने खबर मैंने पढ़ी थी कि बराक ओबामा ने आरोप लगाया है कि दुनिया में महंगाई का, खाद्यान्न पदार्थों की महंगाई का जिम्मेदार भारतीय हैं क्योंकि 3 समय खाना खाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता, भाई तेरे घर से खाते हैं, हम अपना उगाते हैं, हम खाते हैं, 3 समय खाएं 4 समय खाएं, दिक्कत क्या थी? उनको हमारा खाद्यान्न चाहिए, हम आधी दुनिया का पेट भरते हैं भारतीय किसान, वो सस्ता चाहिए उनको। अगर सस्ता है तो MSP को तोड़ना पड़ेगा, जितनी चीजें उसे महंगा करने के लिए वो कारक है उनको सबको खत्म करेंगे, वो ताकतवर लोग हैं, वहां से दबाव बनाया जाता है। 90 के दशक के बाद जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार से जुड़ गए, वहां से कुछ बाध्यताएं हमारी सरकारों पे हैं, और सरकार ये नहीं कहती कि हम उन बाध्यताओं के कारण हम कमजोर हैं, हम निकम्मे हैं, इसीलिए वो चीजें बनाई जाती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करने के लिए ही प्रदूषण का जिम्मेदार किसान को बताया जाता है, पानी बर्बादी का जिम्मेदार किसान को बताया जाता है, और MSP जैसे कानूनों को खत्म करने की योजना, ये 3 अध्यादेशों में छुपे रूप से सरकार जो मुनाफा चाहती है वो MSP को खत्म करना है। आप एक चीज देखिए, 2-4 दिन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने एक बयान दिया था कि MSP बिल्कुल ना खत्म हो भाई, और हम खरीदते हैं, और वो कह रहे थे, आपने सुना होगा कि हम 31 लाख टन अगर सरसों खरीदते हैं तो 30 लाख टन 1 लाख टन का तेल निकाल लेती है सरकार और 30 लाख टन वापस सस्ते दाम में बाजार में बेचती है, खुद कह रहे हैं। उन्होंने अच्छे से समझाया कि MSP कितनी बड़ी समस्या उनके लिए, उन्होंने सारी फसलों को बताया कि हम महंगी खरीदते हैं सस्ती बेचते हैं, मतलब एक बड़ी राशि उनको घाटे के तौर पर झेलनी पड़ती है, मार्केट का रेट कम हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएगा, वो खरीददार आएगा, उसकी चिंताएं दिखा रहे हैं वो, पता नहीं कौन खरीददार आएगा, उसकी चिंता है।
जो बेचने वाला निश्चित है उसकी चिंता नहीं है, दिक्कत क्या है उस खरीदार की चिंता नहीं, चिंता है सरकार जो महंगा खरीदती है और सस्ता बेचना पड़ता है, ये बोझ जो सरकार पर पड़ता है, जो सुरक्षा है किसानों को खाद्यान्न पैदा करने के लिए, जो उनको इनाम के तौर पर एक व्यवस्था किसान संघर्ष से मिली है, उसे खत्म करना ही इस सारे पूरे तीनों अध्यादेशों में अगर सरकार एक बड़ी उपलब्धि अपनी मानेगी तो धीरे धीरे एमएसपी से पीछा छुड़ाना ही मानेगी, क्योंकि एमएसपी की जिम्मेदारी मंडियों पर है ना, वहां जाएंगे तो आप मंडियों से धीरे धीरे बाहर आना शुरू होंगे, 5-7-10 साल में वातावरण बदलेगा, भूल जाएंगे लोग के कभी एमएसपी पे फसलें बिका करती थी, एक दो साल ये जो कानून आए हैं इनके जितने भी प्रभाव आपको देखने मिलेंगे 5-10 साल के अंदर देखने में मिलेंगे, और ये दूरगामी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग हैं वो बहुत दूर की सोच कर योजना बनाते हैं, किसान की संगठित आवाज नहीं कि हम मजबूती से उठा सकें और सरकार को घेर सकें, लेकिन एक निश्चित है इसका नुकसान सरकार को झेलना जरूर पड़ेगा। जसबीर जी, हाल फिलहाल में ये भी देखने को मिला है कि सरकार के इस अध्यादेश के पक्ष में भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी विडंबना है, ये कोई पक्ष में नहीं है, मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देखिए हम सब किसी ना किसी संगठन किसी ना किसी पार्टी से सभी लोग जुड़े हैं, मैं मानता हूँ वो किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी किसान हैं वो, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है इसमें कांग्रेस के लोग हैं, किसान तो वो भी है, किसान वो भी है, किसान वो भी है, मैं उनको भी किसान मानता हूँ, दिक्कत क्या, मैंने कईयों से पूछा, बेचारों को बिलों की समझ नहीं है, पहली बात तो ये कि आपके लिए दिक्कत, दूसरा हम पार्टियों की विचारधाराओं में उलझा हुआ ये किसान, जातियों में बटा किसान, पार्टियों में बटा किसान, क्षेत्रवाद में बटा किसान, गोत्रों में बटा किसान, एकजुट नहीं हो, यूनियंस में बटा किसान एकजुट नहीं हो पाता, अब नेताजी ने फोन कर दिया कि भाई दबाव है ऊपर से और आइए ट्रैक्टर लेकर और निकालिए यात्रा, अब उनको कुछ पता नहीं हुआ, अगर उनसे अगर नाम भी पूछे उन पूरे उनमें तीन अध्यादेशों के नाम तक पूछे, नाम तक नहीं पता होगा, लेकिन वो बस हमारे नेता ने, क्योंकि उन्हें नौकरी लगवानी है, उनके और सरकारी काम नेताजी से करवाने, मैं कहता हूं वो जिम्मेदारी नेताजी की थी, जो किसान घरानों से है उनको सोचना था, भाई जब मैं वादा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन लोगों ने भेजे कॉन्फिडेंशियल आकर बात करें, वो मेरे साथ ही करें, अगर आपको लगता है आपके अध्यादेश ठीक है आप आइए बात करें, मैं आपकी आपका प्रचार करने को तैयार हूँ, लेकिन उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये ठीक नहीं है, वो मानते हैं, लेकिन भाई ऑर्डर उनको फॉलो करना है, नीचे अपने कार्यकर्ता राजनीतिक दबाव के कारण वो पक्ष ये सब कुछ ये हुआ था, और वो कहते कुछ लोगों ने कहा मुझे मिले भाई क्या करें, पार्टी की बात थी जाना पड़ा, बुरा वो भी मान रहे हैं, और इसका नुकसान चुनाव में झेलना पड़ेगा जब आप जबरदस्ती किसी से कोई बात मनवाते हो जी। तो ये थे हमारे साथ जसबीर तंवर जो किसान नेता हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से दोनों मुद्दों पर बात रखी कि जिस तरह से प्रदूषण का पूर्णतया जिम्मेदार किसान को बताया जा रहा है, जबकि प्रदूषण के और भी कारण मौजूद हैं, तो किसान को पूरी तरह से प्रदूषण के लिए जिम्मेवार बताना भी गलत है, और दूसरी ओर जो किसानों के लिए अध्यादेश सरकार लेकर आई है उसका भी उन्होंने खुलकर विरोध किया, और उन्होंने कहा कि यदि सरकार एमएसपी देने के लिए बाध्य है, एमएसपी की अगर वो कहती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं किसान को, तो क्यों नहीं लिखित में इस बात का जिक्र बिलों में किया गया है। ये खास पेशकश कैथल ब्रेकिंग टीवी पर, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।